केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदिवासी महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण को रोकने के लिए भले ही कड़े कानून बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन रसूखदारों के आगे कानून भी बेबस नजर आ रहा है और आदिवासी महिलाओं का शोषण निरंतर जारी है और शोषण का शिकार आदिवासी महिलाएं न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदिवासी महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण को रोकने के लिए भले ही कड़े कानून बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन रसूखदारों के आगे कानून भी बेबस नजर आ रहा है और आदिवासी महिलाओं का शोषण निरंतर जारी है और शोषण का शिकार आदिवासी महिलाएं न्याय पाने के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से आया है, जहां पहले तो एक रसूखदार व्यापारी ने पैसों के दम पर एक आदिवासी महिला को अपने झांसे में लिया और उसके बाद शादी का झांसा देकर करीब 10 से 12 साल तक उसकी अस्मत लूटता रहा। हौसी दरिंदा लगातार युवती को इस्तेमाल करता रहा और जब युवती गर्भवती हो गई तो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगा रहा। महिला ने 2011 में एक बेटी को जन्म दिया। उसके बाद भी महिला अपनी बच्ची को पिता का नाम दिलाने के लिए इस वैसी से मिन्नत करती रही, लेकिन अपने पैसों के घमंड में चूर इस व्यापारी ने उसे और उसकी बच्ची को अकेला छोड़ दिया। महिला का आरोप है कि बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड में पेंट की दुकान चलाने वाला भारत बजाज ने कई वर्षों तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया और दिल भर जाने के बाद उसे और उसकी बच्ची को दुनिया में बेसहारा छोड़ दिया, जिसके बाद गरीब असहाय आदिवासी महिला न्याय के लिए लगातार पुलिस के बड़े अधिकारी से गुहार लगा रही है। महिला का आरोप है कि उसकी अस्मत से खेलने वाला भारत बजाज शादीशुदा है और रसूखदार है, इसलिए उसके खिलाफ शिकायत के बाद भी पुलिस उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसपी से लेकर उच्च अधिकारियों तक न्याय के लिए गुहार लगा चुकी महिला ने कहा कि यदि एक हफ्ते के अंदर उसके साथ इंसाफ नहीं होता है तो वह न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं इस मामले में जब भारत बजाज से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जबकि अजाक थाने के डीएसपी ने कहा कि महिला की शिकायत आई है और उसकी जांच की जा रही है और कुछ और बिंदुओं की जांच के बाद दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में लगातार महिलाओं के ऊपर इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और इन रसूखदारों के आगे नतमस्तक नजर आ रही है, जिसके चलते इस तरह के मामलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक एक माँ और एक बेटी को इंसाफ दिला पाती है और कब तक आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है। मैं नहीं गई थी। दूसरी बात ये कि थाने में उनको जब एक बार बुलाया गया है तो अजाक थाने में वो आके स्वीकार किए हैं इस बात को। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मैं इनके साथ 8 साल पहले मेरा संबंध था, प्रेम संबंध था, रखा हुआ था, इस बात को स्वीकार कर चुका है। मेरे गवाहों का बयान भी हो चुका है और मैं जितना भी उपयुक्त दस्तावेज था अपने रिपोर्ट के आधार पर देना चाहिए था वो सब दे चुकी हूँ। महिला शिकायत दी है और वो बजाज के खिलाफ में, तो उसकी जांच पूरा हो गया है। 2-3 और बिंदु हैं जो परिस्थिति जन साक्ष्यों को सकलित करके जो है उस आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कितना बिलासपुर से अजीत